हाई एवरी वन, वेलकम बैक माई चैनल। और ऑन योर रिक्वेस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, मैंने किस तरह से अपना मेकअप प्रोडक्ट्स अरेंज किया हुआ है और कैसे और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। यार मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ नहीं है, फिर भी जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपने मुझे पूछा था तो मैंने सोचा ठीक है आपको जरूर से दिखाना चाहिए। तो चलिए मतलब बना रही हूँ। तो ये देखो, ये ना मेरा रेगुलर वाला जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ इस तरह से। और ये जो भी है, जैसे कि अभी मैं नाइट में यूज कर रही हूँ प्लम का ये वाला, फिर हमारा जो अभी सनस्क्रीन मैं यूज कर रही हूँ वो ये डेमाको का है। सो जो भी रेगुलर वाला यूज होता है ना वो सब मैं ऊपर में रख देती हूँ, वैसलीन वगैरह। और ऊपर में देखो यहाँ पे आपको से परफ्यूम्स वगैरह मिलेंगे, परफ्यूम, टोनर, सीरम, ये सभी जो भी होते हैं तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके अलावा ये जो रेगुलर वाला है वो यहाँ रहता है। उसके अलावे जो है प्रोडक्ट्स और मैं इसमें डालती हूँ, तो ये देखो इसमें जो भी जैसे कहीं जाना हुआ ना कुछ मतलब टाइम के लिए, तो उसमें मैं जो भी यूज करती हूँ, जैसे कि पॉन्स का बीबी क्रीम, मैं जनरली रेगुलर बेसिस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर छोड़ के। बट उसके अलावे ये देखो जो कहे जाना, जैसे कि कोई पार्टी वार्टी में हुआ, नॉर्मल छोटा मोटा पार्टी, तो उसमें मैं यही पॉन्स का बीबी क्रीम, मेरा फेवरेट बीबी क्रीम है, तो ये वाला यूज करती हूँ मैं डेली वाला। और ये वैसलीन वगैरह, इसमें लिप बाम जो भी है ना रेगुलर वाला सामान वो इसमें रहता है मेरा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काजल वगैरह, फिर ये आईब्रो पेंसिल और ये लिप लाइनर और लिपस्टिक वगैरह जो भी हैं छोटे छोटे, वो देखो आपको इसी में मिल जाएंगे। जो भी है प्रोडक्ट वो मैं रेगुलर वाला इसमें रखती हूँ। उसके अलावा जो हमारा सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है यार, तो सब में मैंने रखा हुआ है और मैंने ऐसे अरेंज किए हैं ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि इतने सारे सामान है इसमें। सो देखो नेक्स्ट वन इज दिस, और इसमें आपको बहुत ज्यादा सामान मिलने वाले हैं। मतलब कि मेरा जो भी मेकअप प्रोडक्ट है ना मैक्सिमम मैं इसी में डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किए हुए ना, मैंने कंपार्टमेंट्स डाले हुए हैं, मतलब कि ये तो एक ही ड्रॉर है बट उसमें ना मैंने छोटे छोटे इस तरह के डब्बे डाल के रखे हुए हैं, देखो इस तरह के, जिससे कि सब कुछ अलग अलग रहे। मेरा ये अलग है, फिर इधर अलग है, उस तरह का। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से है। और एक्चुअली हाँ, ये इस तरह से मैं इसलिए दिखा पा रही हूँ ना क्योंकि मैंने ही अपना कैमरा भी होल्ड किया हुआ है एंड बता भी रही हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए स्लो स्लो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे मेरे जितने भी फाउंडेशन एंड सीरम है, सॉरी फाउंडेशन एंड प्राइमर है, वो सब यहाँ रहते हैं। तो फाउंडेशन में देखो मेरे पास अभी क्या क्या है, ये लैक्मे का है, तो ये लैक्मे का है, ये देखो ये भी लैक्मे है, ये भी लैक्मे है, और ये हमारा स्विस ब्यूटी है, देन हमारे पास ये मैबलिन वाला है सुपर स्टे, उसके बाद ये इनसाइड कॉस्मेटिक का, फिर ये मामा अर्थ का, मैबलिन का, सभी मैंने खरीदा हुआ है यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पीआर वगैरह आए हैं, टोटल मैंने खरीदे हुए हैं। उसके अलावा देखो प्राइमर के लिए मेरे पास है इनसाइड कॉस्मेटिक का, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये ब्लू हेवन का, उसके अलावे आपको दिखने वाला है प्राइमर किसका था, यस दिस इज आल्सो अ प्राइमर, ये आपको मिलेगा स्विस ब्यूटी का प्राइमर, बहुत ही सुपर वाला प्राइमर है, यू कैन आल्सो यूज दिस, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। स्विस ब्यूटी एंड इनसाइड कॉस्मेटिक के जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सभी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिलेंगे। सो ये है प्राइमर। उसके अलावे अगर आपको ग्लिटरी वाला चाहिए थोड़ा सा सीमरी टाइप, तो ये ना स्विस ब्यूटी का पर्ल वाला बहुत ही अच्छा वाला ये भी प्राइमर है। और ये देखो यहाँ पे लैक्मे का भी ब्लर प्राइमर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है लैक्मे का ये ल्यूमी क्रीम, जो कि मेकअप से पहले अगर आप लगाते हो तो आपका फेस ना थोड़ा ग्लोई टाइप का लगेगा, पूरा वोल्ड है, तो बहुत अच्छा लगता है ये यूज करके। तो ये सभी थे हमारे फाउंडेशन वगैरह जो भी थे, इसमें से मैक्सिमम मैंने फेंक दिए हैं बिकॉज ऑफ कि एक्सपायर हो गए थे, डेट उनका खत्म हो गया था, तो रखने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने जगह खाली किया हुआ है, तो ये मैंने निकाल दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो टोटल ये जो है ना आपको ये मिलेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो ये लैक्मे है, लैक्मे मैंने रेगुलर यूज वाले में रखा हुआ था, ये इसमें आ गया अभी, तो चलो वो लैक्मे का था। उसके अलावा लैक्मे का ये लूज पाउडर आपको मिलेगा, और यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना पाउडर जो होता है लूज पाउडर वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको लैक्मे का ये वाला सन एक्सपर्ट वाला, फिर जाके यहाँ पे है हमारा फेशेस कनाडा का, उसके बाद है हमारे पास पाउडर में क्या क्या है यार, बहुत सारी चीजें एक ही जगह मैंने इतने कॉम्पैक्टली रखा हुआ है ना,
फिर यहाँ पे मेबलिन फिटमी का है मेबलिन फिटमी का ये आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है। सो ये सभी कॉम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद है यहीं पे, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने ना ये रखा हुआ है कलर करेक्टर, जो कि अगर आपकी डार्क स्किन है या फिर अगर आपको पिंपल स्पॉट है ये वगैरह, तो उसके लिए कलर करेक्टर यूज होता है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा वाला कलर करेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इनसाइड का ही ये ना हाइलाइटर है, फिर यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक का ये ना ब्लश है, स्विस ब्यूटी का यहाँ पे ये है, स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल मीन्स आईब्रो पाउडर है यहाँ पे, ब्राउ पाउडर। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। अगर आपको बहुत अच्छा हाइलाइटर चाहिए ना, तो ये वाला डेफिनेटली आप ले सकते हो, वेट एंड वाइल्ड का सुपर हाइलाइटर होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो मैंने रखा हुआ ब्लू हेवन का यहाँ पे ब्लश है, फिर ये क्या है, ये आपको मिलता है स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर विथ ब्लश बोथ। तो ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये था हमारा फाउंडेशन विथ कॉम्पैक्ट, आपको इसमें मिल गए। उसके बाद यहाँ पे हमारा रहता है आई का प्रोडक्ट, मीन्स कि आई से रिलेटेड जो भी है ना, वो सब मैं इसमें रखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सभी हमारा जो मस्कारा वगैरह है, तो यहाँ पे मैंने ना मस्कारा रखा हुआ है। देखो ये है हमारा मैबलिन का मस्कारा, ये वाला, ये भी अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मैबलिन कॉलर सेल। उसके बाद ये होगा स्विस ब्यूटी का, दिस इज ऑल्सो मस्कारा। उसके बाद लैक्मी का भी था, लैक्मी का किधर गया, यस नीचे है, रुको मैं दिखा, मी का मस्कारा, फिर है यहाँ पे आई शैडो, और ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटरी सिमरी आई शैडो है। अगर आपको आई शैडो लगाने नहीं आता है ना, तो ये वाला इस टाइप का बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा स्विस ब्यूटी का। इसके बाद आई लाइनर के लिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे लैक्मी का, फिर ये फेसेस कनाडा का, फिर यहाँ पे काजल भी फेसेस कनाडा वगैरह का है। उसके बाद आई लाइनर में आपको और भी मिलते हैं, ये देखो ये क्या है, यस मैबलिन का है। सो चार पांच टाइप के आईलाइनर है यहाँ पे, मतलब देख सकते हो आप, तो जो जो मेन मेन होता है ना, बस मैं उतना ही रखती हूँ यहाँ, और जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो फिर आपको अलग ड्रॉर में दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आई से रिलेटेड, फिर यहाँ फॉल्स लैसेस है, और ये क्या है, यस ये सिवाना कलर्स का है, ये वाला सिमर मेकअप प्रोडक्ट, जिसमें कि आपको ना वेराइटी ऑफ हाईलाइटर मिल जाएंगे और ब्लश आप बोल सकते हो सभी इसमें मिलते हैं। तो ये वाला मैंने रखा है, तो ये है मैबलिन का, आपको मिलता है सिटी मिनी पैलेट्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा पैलेट है, और इसके जो कलर है ना वो बहुत पॉप आउट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मिनी पैलेट है मैबलिन का, तो ये है इसमें आई शैडो का, और ये क्या है, और ये है जस्ट हर्व का आई शैडो लिड स्टिक है, ये ना एज अ लिपस्टिक टाइप का आपको लगता है, ये देखो दिखाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, लेकिन अप्लाई करने में बहुत ही आसान भी है, और जस्ट हर्व जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला यूज करके। तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो इस टाइप के। वैसे मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ ना, मैक्सिमम कोशिश करूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देने, ये ना इस तरह का मिलता है आपको आई शैडो लिड स्टिक टाइप का है, सॉरी, और इसे ना डायरेक्ट आपको आई पे या फिर अपने फिंगर पे डाल के अप्लाई कर लेना है, तो बहुत अच्छा लगेगा। मिनी वाला है, एकदम छोटा छोटा सा है। तो ये हमारा आई से रिलेटेड इधर है। उसके अलावे जो आई से रिलेटेड आपको मिलता है वो यहाँ है, ये देखो, ये है हमारा हुडा ब्यूटी का ये आई शैडो पैलेट। उसके बाद ये है, क्या है ये, ये है न्यूड का आई शैडो पैलेट। उसके बाद जो है ये है, ये है आपका मिनी रोज का आई शैडो पैलेट, फिर ये क्या है, मास का आई शैडो पैलेट। सो सभी आई शैडो पैलेट थे हमारे पास। और उसके बाद देखो इधर आपको मिल जाते हैं कंसीलर वगैरह, यहाँ पे देखो कंसीलर में है अभी ये स्विस ब्यूटी का एजरी कंसीलर। उसके बाद यहाँ पे मामा अर्थ का, फिर क्या है, फिर है स्विस ब्यूटी का इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर, ठीक है, ये है लैक्मी का 925 सीसी क्रीम। सो एक बीबी क्रीम, एक सीसी क्रीम मेरे पास रहता है, तो ये लैक्मी का सीसी क्रीम बहुत अच्छा है, बीबी क्रीम के लिए पॉन्स वाला वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा मैबलिन का, ये मैबलिन का ये वाला ना कंसीलर है, तो ये सभी कंसीलर इधर है। उसके बाद यहाँ पे आई शैडो पैलेट स्विस ब्यूटी का भी रखा हुआ है, तो यार इतना तो यूज नहीं होता, डेली कौन मेकअप करता है, बट ठीक है, अब यूट्यूब पे आई हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेकअप का सामान हो ही जाता है कि नहीं, तो इसलिए है। सो अगर आपको रेगुलर वाला चाहिए
तो आप बताइएगा, मैं ना इसमें से बहुत कम जो कि आपको नीडेड मतलब नीडेड है जो कि आपको रखना चाहिए वो सब बता दूंगी। एक प्राइमर, एक फाउंडेशन, एक बीबी क्रीम, ये सब टाइप का आप इसमें से कोई सा एक खरीद के रख सकते हो जो कि आप कोई भी पार्टी फंक्शन में खुद से मेकअप कर सकते हो। तो इसलिए तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम देखो, इधर भी मैंने रखा हुआ है, यहाँ ये सिवाना कलर्स का ब्लश मिलता है और हाईलाइटर आपको, और अगेन यहाँ पे भी मैबेलिन का, यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शैडो पैलेट है, ये तो मैंने बहुत पहले खरीदा था यार। और यहाँ देखो ये हमारा ना लिपस्टिक का खजाना है, इसे मैंने ना इस कोने में रखा हुआ है जो कि बहुत ही बेचारा गंभीर स्थिति में है, निकलने के इसमें नहीं है तो फिर भी निकाल ही दे रही हूँ मैं। तो चल दिखाती हूँ अब लिपस्टिक क्या क्या है। लिपस्टिक वाले में देखो ये भी पड़ा हुआ है, इसीलिए ना इतना भारी हो गया था बेचारा। ठीक है चलो, ये हुआ लिप बाम, ये वादी हर्बल का लिप बाम है, वैसलिन वगैरह इसमें मैंने रखा हुआ है, मामा अर्थ एलिएटिन लैक्मी, फिर आपको जस्ट हर्ब का मिल जाता है इसमें भी। और ये क्या है, ये ना डॉट एंड की का लिप बाम है, सुपर लिप बाम है विंटर सीजन के लिए ना, अगर आपको अच्छा लिप बाम चाहिए ना तो ये ले सकते हो। फिर ना सुगर कॉस्मेटिक के भी लिप बाम बहुत ही अच्छे होते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये रहा, उसके बाद हमारे पास है पर्पल का, फिर इनसाइड कॉस्मेटिक का, स्विस ब्यूटी का, फिर ये मैबेलिन का इस टाइप का तो बहुत सारा एक साथ ही मिला था, खरीदा था मैंने। उसके बाद इनसाइड कॉस्मेटिक का, फिर क्या है ये बायोटिक का है ये, उसके बाद जस्ट हर्ब्स, फिर फेसेस कनाडा, मतलब मैंने वैरायटी में रखे हुए यार, यूज करूँ या ना करूँ लेकिन मैंने इतना सारा रखा हुआ है लिपस्टिक। लोअर ड्रॉर में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मेकअप ब्रशेस वगैरह। तो यहाँ पे देखो ये तो हमारे जो रेगुलर वाले ज्वेलरी होते हैं ना छोटे छोटे जो मैं वीडियो में पहनती हूँ वो है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं ये हेयर एसेसरीज वगैरह, जैसे कि ये हेयर बैंड है, और फिर इसके अलावा ये क्या है, ये है आपका वेगा का कर्लर, स्ट्रेटनर एंड कर्लर। उसके बाद ये हुआ हमारा जो मिनी वाला निकला था ना, ये मैंने मीशो से मंगवाया हुआ था मिनी कर्लर स्ट्रेटनर सॉरी। तो ये है हमारा मीशो का, और ये हमारा नोवा का कर्लर है, स्ट्रेटनर एंड कर्लर। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये मेकअप ब्रशेस हैं हमारे पास, ये जो है मेकअप ब्रश का सेट है, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारे हैं। फिर इधर मैंने रखा हुआ है वो क्या बोलते हैं जो ब्लेंडर वगैरह होता है वो है। उसके बाद यहाँ पे है मिनिमलिस्ट का ये मॉइस्चराइजर है, या मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर, और ये ना एक मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है मंगवा के डर्मेको का ये सनस्क्रीन, बहुत अच्छा मुझे लगा था तो ले सकते हो आप भी, उसके भी लिंक दे दूंगी यहाँ पे सेम एज मेकअप ब्रश वगैरह हैं। तो ये सभी हमारे थे मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हो, ये रहे, फिर इधर रहे, और भी हमारे ना मैंने मिरर में डाले हुए हैं। तो अगर आप बोलोगे ज्वेलरी वगैरह के भी दिखाने तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी ना वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं इसे स्टॉप करने वाली हूँ। इधर में मैंने रखा हुआ है हमारे पूरे बैंगल के कलेक्शन हैं जो भी, तो वो भी एकदम भरपूर मात्रा में हमारे पास, तो वो मैंने इधर रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, और जो भी है सारे मैंने इसी में रखे हुए हैं। ये हमारा जो है ना ये ड्रेसिंग है जिसमें कि मेरा टोटल मेकअप का सामान रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर लीजिएगा, है कि नहीं, नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ और भी वीडियो देखने हो तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। ओके एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये देखो चलो बाय एंड टेक केयर।